वेरी गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज मैं आपको हिंदी का पार्ट 6 रीड करवा रही हूँ, माँ कहे एक कहानी। तो इसमें ये कहानी है राजा सिद्धार्थ के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में, और इसमें उनका बेटा जो है राहुल, ठीक, तो वो उनको अपनी माँ से कहानी कहने को कह रहा है। तो माँ कहे एक कहानी, तो माँ बोलती है बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। तो कहती क्या मैं नानी हूँ तुम्हारी, ठीक है। तो कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ यो लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कहा एक कहानी। तो कहता है कि यहाँ की जो दासी है मुझे कहती है तू मेरी नानी की बेटी है, ठीक है। माँ को कहता है तू मेरी नानी की बेटी है इसलिए तू कह कहा कहानी, जय राजा था या रानी। तू है हटी मान धन मेरे, सुन पवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मनमानी। तो यहाँ पे कह रहे तू बहुत ही जिद्दी है, ठीक है, और फिर सुन कहानी, एक बाग में तेरे तात यानी कि पिता, तेरे पिता जो है भ्रमण करने जाते थे, वहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ यही कहानी कह, हाँ जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी कहो। तो माँ कहती है वड़ वड़ के फूल खिले थे, झिलमिल कर ही बिंदु मिले थे, हल्के झोंके झील मिले थे, हीरे मिले थे, लहराता था पानी। तो उसमें बाग के बारे में बता रहे कि बाग में अलग अलग रंग के फूल थे, और ओस के बूंदे थे, हवा अच्छे अच्छे बह रहे थे, और पानी लहरा रहा था, लहराता था पानी। हाँ माँ यही कहानी, ठीक है। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बद हो के खर खर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। कह रहे तो वहाँ पे तब सभी पक्षी ऐसी गाते थे, घूमते थे, तभी क्या हुआ अचानक एक हंस जिसके में तीर लगा हुआ था वो नीचे गिरा। हुई पक्ष की कहानी, पक्षी की जो है बहुत हानि हुई, नुकसान हुआ, करुणा भरी कहानी। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म उसने पाया, इतने में आँखें टक आया लक्ष्य सिद्धि का मानी। चौंक कर उसने उसके पिता ने उसके उठाया हंस को, तभी वहाँ शिकारी आया, कहा लक्ष्य सिद्धि का मानी, कह ये जो इसने लक्ष्य साधा था। कोमल कली कहानी, मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे दांत किंतु थे रक्षी, तब जो था कग बक्षी हट करने का ठानी। उसने शिकारी ने उससे पक्षी मांगा, लेकिन दांत कौन थे, उस पक्षी को बचाया था तो वो रक्षी थे, पर वो खग बक्षी उसने जिद करी हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी, हुआ विवाह सदैव निदय में, और फिर दोनों में लड़ाई हुई सदैव और निदय, सदैव कौन बचाने वाला, निदय कौन मारने वाला। उभय आगे थे सब विषय में, गई बात न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता किसका, कह दे निर्भय जय हो इसका, सुन लूँ तेरी बानी। तो माँ से पूछती तू बता इन दोनों के झगड़े में तू किसका साथ देता, किसका किसको पक्षी देता तू उसे। माँ मेरी क्या वाणी मैं सुन रहा कहानी, कह मुझे कह मेरी क्या वाणी मैं तो सुन रहा कहानी, मुझे कोई निरपराध को मारे तो को क्यों अन्य उसे ना उबारे, रक्षक व भक्षक को उबारे न्याय दना का दानी। कह कोई निरपराध को मारता है तो क्यों ना उसे कोई बचाए, और रक्षक परमेशा भक्षक परमेशा रक्षक जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बचाने वाला ज़्यादा ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए न्याय दया का दानी हुआ। तूने गुनी कहानी, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोयम, और इस पोयम को लिखने वाले कौन है, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। इसको फिर से आप रीड करना, और ये आज ये वर्ड मीनिंग कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ आंसर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।